आपने कहा दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और यूपी पूर्ण राज्य है, इसीलिए सवाल वहां पर योगी से पूछिए, लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल से मत पूछिए। अब मैं एक और तस्वीर दिखाती हूं जहां पर सवाल क्योंकि पूर्ण राज्य है विवेक जी, इसीलिए आप सवाल बता दीजिएगा कि मैं किससे पूछूं। मैं तस्वीर दिखाने जा रही हूं एक ऐसे राज्य की जहां पर आपदा की मार ऐसी पड़ी है कि पूरा देश देखकर पीड़ित है और देखकर दुखी है। ये तस्वीर केरल की है। अब विवेक जी मैं आपसे इन तस्वीरों पर पूछूंगी कि यहां जिम्मेदारी किसकी है। केरल की तस्वीर देख लीजिए, ये वायनाड की तस्वीरें हैं जहां पर आपदा ने कैसे पूरे के पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, ड्रोन से लिए गए तस्वीरें हैं। लगातार बारिश हो रही है, चार गांव पूरी तरह पानी में समा गए और यहां पर उसके बाद देखिए दूसरी तस्वीर में देखिए कैसे सेना वहां पर एनडीआरएफ के लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गांव के गांव उजड़ गए हैं और ये तब है जब वार्निंग दी गई थी। आपको इसके बाद एक और तस्वीर दिखाती हूं, वहां सेना पुल बना रही है। ये तस्वीर आई, सेना को उतारा गया है, वो पुल बना रही है, लोग जो मिसिंग है जो मिल नहीं रहे उन्हें किस तरह से ढूंढने का काम चल रहा है, पुल बनाकर जो लोग फंसे हैं उन्हें इस तरफ लाने का काम चल रहा है। ये तस्वीर, और ये पुल बना भी दिया है सेना ने। अब ये तस्वीर देखिए, ये देखकर पता चलता है कि हमारी भारतीय सेना पर गर्व भी होता है। देखिए कितनी जल्दी 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 वहां काम किया जा रहा है, लेकिन आपदा ऐसी है कि उसमें इस वक्त सब कम पड़ रहा है। अब मैं सवाल केरल को लेकर इसलिए पूछूंगी विवेक जी कि यहां केरल के अंदर कितनी मौत हो गई है, जरा उसके बाद भी राजनीति खत्म नहीं हो रही है। अब मैं एक बार जरा आपको सुनवाती हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड की त्रासदी को लेकर क्या कहा। केरल के वायनाड में भयंकर हालात है, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, बाहर दरकने से मलबे में कई गांव दब गए हैं और यहां बारिश लैंडस्लाइड से 270 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, 130 से ज्यादा घायल अस्पताल में है और न जाने कितने लापता है क्योंकि उनका कोई नंबर नहीं है, अभी बहुत से लापता बताए जा रहे हैं। अब इस सब पर भी राजनीति हो रही है क्योंकि यहां के लिए भी कहा गया कि केंद्र जिम्मेदार है। जरा सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर क्या कहा राज्यसभा में। 18 जुलाई को ही पूर्वानुमान दिया था कि केरल के पश्चिम तट के क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी, फिर 25 जुलाई को उसको स्पेसिफिक कर भारी वर्षा होगी, बहुत भारी वर्षा होगी ये कहा, और फिर 23 जुलाई को अति भारी वर्षा होगी, 20 mm से ज़्यादा वर्षा होगी ये भी कहा और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। 23 तारीख को ही एडवांस में क्या किया पूछा गया सदस्यों द्वारा, 23 तारीख को ही हमने 8 NDRF के पूरे दल वहां पर भेज दिए गए। अब ये तस्वीर देखिए, ये वायनाड की वही तस्वीर है जहां पर सेना ने पुल भी बना लिया इन मुश्किल परिस्थितियों में और वहां पर अपनी गाड़ी भी ले जाकर देख रहे हैं, उस पुल को टेस्ट भी कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इस युद्ध स्तर पर वहां काम हो रहा है। अब सिद्धार्थ जी मुझे बताइए, इस पर अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात हुई, विवेक जी और सिद्धार्थ जी को जरा स्क्रीन पर लीजिए। विवेक जी अभी ये कह रहे थे कि वो पूर्ण राज्य नहीं है इसलिए जिम्मेदारी सरकार, अब ये बता दीजिए पूर्ण राज्य है कि नहीं। अब केरल की जिम्मेदारी किसकी है विवेक जी? अब आप शांति से सुनिए ना, 3 दिन से मैं इसी टॉपिक पे बोल रहा हूँ और प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने करी। अब आप सुनिए, पहले मैं 30 सेकंड बोलूंगा फिर उसको काउंटर करें। पहली चीज ये कि मैं होम मिनिस्टर जी को चाहूंगा कि जो वार्निंग उनकी तरफ से दी गई उसको सार्वजनिक करें, क्योंकि वार्निंग बड़ी जनरल नेचर थी। 20 mm की रेनफॉल की उन्होंने बात करी है जो कि बड़ा नॉर्मल होता है, रेनफॉल हुई है 140 mm इन 24 आवर्स। दूसरी चीज, पिनारायी विजयन जी का स्टेटमेंट है उसको भी सार्वजनिक करें जिसमें कहा गया है दैट दी जिस एरिया के अंदर ये डिजास्टर हुआ है दैट वाज नॉट क्लासिफाइड एज सेंसिटिव इन द इकोसिस्टम, जो कि गाडगिल रिपोर्ट और उसके बाद कस्तूरी रंगन की एक रिपोर्ट आई थी 11 साल पहले, दोनों में ये एरिया सेंसिटिव जोन में नहीं आया है। तो ये जो थी एक कलेमिटी थी, उसके लिए 3,000 शरणार्थियों को शरण दी गई थी विद इन अ फ्यू आवर्स और उसके अलावा 140 से ज्यादा कैंप्स लगाए गए। तो देखिए, ये पॉलिटिक्स मैं नहीं करना चाहता, होम मिनिस्टर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनकी तरफ से एक बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट आया था, मैं चाहूंगा अपने जनरल सा स्टेटमेंट, ठीक है मैं जल्दी से पूछती हूं सिद्धार्थ जी, ये जनरल सा स्टेटमेंट था,
आपको पता है कि वहाँ हालात कैसे हैं विवेक जी, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि जनरल सा स्टेटमेंट था सिद्धार्थ जी, ये जनरल स्टेटमेंट था और इसीलिए वो आपदा हो गई, उस पर अब आप ये बताते रहे कि 7 दिन पहले हमने अलर्ट दिया था, इससे विवेक श्रीवास्तव जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप सार्वजनिक कर गया डॉक्टर, बताइए भाई सिद्धार्थ जी बताइए, ठीक है आप सुनिए, 40-50 सेकंड दीजिए, सुनिए आप 40-50 सेकंड दीजिए, मैं जवाब दे। सबसे पहली बात तो जो ये कह रहे हैं ना जनरल सा स्टेटमेंट था, ये मीडिया में दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं है। 23 जुलाई को अर्ली वार्निंग सिस्टम में ऑफिशियली आपकी स्टेट को कम्युनिकेट किया, 24 जुलाई को कम्युनिकेट किया, 25 जुलाई को कम्युनिकेट किया, आपका क्या एक्शन था? सार्वजनिक करिए कह रहे अपनी स्टेटमेंट को, अरे मीडिया में जाकर के लफ्फेबाजी नहीं की गई थी, केंद्र की सरकार ने बोला था, आपको कहा था, वॉर्न किया था, स्पेसिफिकल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए वॉर्न किया था कि यहां पर अलर्ट है, यहां की चिंता आप करिए, आपने चिंता नहीं करी और राजनीति करना चाह रहे, ये इससे ज्यादा दुखद है। दूसरी बात, अभी पूर्ण राज्य और राज्य की बात कर रहे थे, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली के पास पुलिस नहीं है इसलिए पानी भर सकता है, क्यों भैया? पुलिस पंप निकाल के पानी निकालती है क्या? पंप लगा के पानी निकाल रही है। 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दी उसी कोचिंग सेंटर को और 3 बच्चों की मौत हो गई, कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपने कहा कि हमने 85% डिसरिटिंग कर दी और वहां घोड़े घोड़े तक पानी भर गया, कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए आपका नैरेटिव दिल्ली वालों के सामने साफ आ चुका है, आपको ये बैटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अंतिम एक बात बोलना चाहूंगा सुचारता जी, चलो एक एक करके उसके बाद बोल लीजिए, ऐसे मत लीजिए, ये फोटो है, ये अवधेश जी है, ये अवधेश जी के सांसद हैं और ये अवधेश जी मोहित खान के साथ बैठे हैं। 12 साल की पिछड़े वर्ग की लड़की से ये रेप करने का आरोपी है जिसको संरक्षण मिल रहा है कांग्रेस पार्टी से, और ये जिनको संरक्षण मिल रहा है समाजवादी पार्टी से। अब जरा दिखाइए मनोज काका जी का चेहरा, अब मनोज काका जी कहेंगे आकर के बताएंगे, आपकी पार्टी बलात्कारियों के साथ बैठती है, वर्तमान का केस मैं आपको दे रहा हूँ, और फिर टीवी में बैठ करके महिला सुरक्षा की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए थोड़ी। इस मोहित खान पर भी 2 लाइन बोल दीजिएगा, अभी का केस है, 12 साल की पिछड़े वर्ग की लड़की के साथ ये रेप का आरोपी है और कंधे पे हाथ है आपके अवधेश कुमार का, आपके अवधेश जी राजा जी का, कोई ये राजा आपके इंतकामों के लिए है क्या? इस पर भी जवाब दीजिए। उस पर मैंने सवाल पूछा और कोई नहीं बोल रहा है। समस्या ये है कि इस तरह के अपराधों पर अगर कोई भी संलिप्तता किसी तरह की कोई नज़दीकी पार्टी के किसी व्यक्ति की दिखती है तो सभी पार्टियां आंखें मूंद लेती हैं, और इसीलिए बड़ा दुखद है ये, महिला अपराधों के लिए अगर जीरो टॉलरेंस है तो चुप्पी नहीं बर्दाश्त की जाएगी भाई, आपको जवाब देना होगा, और ये हर किसी पर लागू होता है, हर पार्टी पर लागू होता है। मैं इस त्रासदी की बात क्योंकि कर रही थी, ये पूरे देश भर से तस्वीरें आई हैं और वायनाड में जो हो रहा है वो तो हैरान करने वाला है, कैसे बारिश के आगे आप पूरी तरह लाचार हैं। कोई सिस्टम तो ऐसा रहा होगा विवेक जी कि सरकारों को त्रासदी के बाद ना जागना पड़े भाई। आपने कह दिया कि ऐसा वेग सा सिस्टम अलर्ट दिया था, कोई स्पेसिफिक अलर्ट नहीं था, मुझे बताइए स्पेसिफिक अलर्ट नहीं था, हर साल बारिशें केरल जैसे राज्य के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और वहां पे जो हिल्स हैं उनकी जो 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 स्टीपनेस है वो 20 डिग्री से भी पे आ जाती है, तो वो बहुत ही वल्नरेबल स्टेट है। लेकिन मैडम आप सुनिए, चाहे उत्तराखंड हो जिसमें कल भी केदारनाथ में ड्रामा हुआ है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे केरला हो, ये सेंसिटिव जोन्स हैं। अगर 5 times का रेनफॉल एक नॉर्मल में आएगी, होम मिनिस्टर साहब ने ठीक बोला, उन्होंने कहा कि हमने वार्निंग दी थी कि 20 mm से थोड़ी ज्यादा रेन आ सकती है, आप इसीलिए कह रहा हूँ कि उनके डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करिए, तो ये प्रेडिक्टिव मेथोडोलॉजी अभी नहीं है। 5 times अगर रेन आएगी तो ना उसको होम मिनिस्टर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट, हम एट बेस्ट कुछ उसमें चीजें कर सकते हैं, और इसीलिए कैलामिटीज हैं, तो एट द बेस्ट हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। मेरा बस एक कहना है सिद्धार्थ जी, अगर आप सुन रहे हैं, मेरा सिर्फ एक मानना है कि जो व्यक्ति बारिश बाढ़ अपने घर बार को डूबता हुआ देखेगा उसको सल्यूशन चाहिए, वो ये बातें सुनकर जरा भी खुश नहीं है कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जाए।